अब नरगिस फाकरी के बाद रणबीर कपूर की लाइफ में आ सकती है कोई और। इससे पहले कि आप कुछ और सोचने लगे, हम आपको बताते हैं व्हाट डू वी मीन। दरअसल रणबीर कपूर करने जा रहे हैं अभिनव काश्यप की फिल्म बेशक, जिसकी लीडिंग लेडी की तलाश काफी टाइम से चालू थी, पर अभिनव को इस रोल के लिए कोई फिट नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अभिनव ने इस रोल के लिए परिणीति चोपड़ा के ऑडिशन तक लिए थे, पर फिर भी बात नहीं बनी। और तब जाके पल्लवी शारदा, जो कि एक इंडो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है, उन्हें सेलेक्ट किया गया। सोर्सेज की माने तो फिल्म के मेकर्स के हिसाब से पल्लवी फिट्स द रोल रियली वेल। हाउ ट्रू इज दैट, वो तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलेगा। वेल, इनसाइडर से तो ये भी पता चला है कि एक्ट्रेसेस की रेस में सोनाक्षी और महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट तक का नाम था। इन सब एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ अगर पल्लवी ने अभिनव की फिल्म में जगह हासिल की है, तब तो जरूर कोई बात होगी। वेल, वी वंडर व्हाई पल्लवी शारदा को माय नेम इज खान और लव ब्रेकअप जिंदगी में सराहा नहीं गया, जबकि उन्होंने इन फिल्मों में भी काम किया है। वजह चाहे जो भी हो, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि पल्लवी हमें नरगिस की तरह डिसअपॉइंट ना करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। हाय, दिस इज ओमर कुरैशी। टू वॉच लेटेस्ट वीडियोस ऑफ बॉलीवुड स्टार्स एंड न्यूज ऑन फेसबुक नाउ, गो टू www.zoomtvapps.com/bollywoodvideos।